आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपोहा नास्तियो धेमसो बंधुआ कुत्वा यम नाव सीदति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। झाड़ू लेके भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतनी सारी गंदगी के विरोध में यहाँ एक संस्था धरना दे रही है। आइए उनके अध्यक्ष से पूछते हैं कि ये धरना किस लिए और क्यों दिया जा रहा है। आप इस संस्था में क्या है और ये धरना आपने दे रहे हैं? भाजपा ने एक अभियान चलाया था स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत लोगों को ये बताया गया कि भारत जो है उसको स्वच्छ करेंगे, मगर हमारे हिसाब से जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है वहाँ पर स्वच्छता सिर्फ कागजी कार्रवाई में पूर्ण हो पाई है और आर्थिक और वास्तविकता में ये पूर्ण नहीं हो पाई। तो ये हमें बताने का प्रयास है उन लोगों को जिन्होंने इस भारत का स्वच्छ बनाने का अभियान उठाया था, इसे आप वास्तविकता में देखिए, अभी भी आज भी गंदगी है। तो एक अभियान है उन अधिकारियों को, किसी भी प्रकार का कोई भी ना नगर निगम से इस प्रकार की कोई सहायता मिल रही है, ना इन्होंने जो अधिकारियों को लगाया है ना उससे कोई सहायता मिल रही है। आदमी स्वयं इस गंदगी को हटा रहा है, स्वयं इस बीमारी का शिकार हो रहा है, जो बीमारियाँ चल रही हैं इन सबका शिकार हो रहा है। ये एक अपील है कि भैया आप ध्यान दीजिए और जनता की प्रॉब्लम को, जनता की समस्याओं को समझिए। तो ये संस्था आप लोगों का झाड़ू कुछ लगाने का शायद विचार है, तो आप तो इस गंदगी को इतने लोगों के द्वारा पीछा दे। जब तक यहाँ पर गंदगी रहेगी हम साफ करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम कश्यप है, मैं संस्था उपाध्यक्ष हूँ। कहाँ के रहने वाले? शारदा नगर वार्ड। तो ये आप यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ नगर निगम कर्मचारी लगे तो हैं, सफाई कर्मी लगे तो हैं, पर सफाई नहीं, इसी वजह से हम लोगों ने। तो कभी यहाँ पे आपके द्वारा किसी अधिकारी से शिकायत की गई? बहुत बार शिकायत की गई, आए दिन शिकायत होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। वहाँ सफाई होती है जहाँ गंदगी नहीं है, जहाँ गंदगी है वहाँ सफाई नहीं मिली। देखिए ये सफाई ना, नगर निगम की गाड़ी आती है ना कुछ होता है। यहाँ पे इस कूड़े को देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे सालों से सफाई नहीं हुई है, और इसको साफ करने के लिए कैसे क्या करके अधिकारी और सरकारी महकमे अपनी जिम्मेदारियों से भूलते जा रहे हैं और जनता को मौत के कुएं में ढकेलते जा रहे हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी भारी बीमारी की वजह से आए दिन लोग बीमार होके अस्पतालों में भर्ती होते रहते हैं, लेकिन अधिकारी सचेत नहीं रहे हैं और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आइए मैं एक आपको यहाँ की संस्था की प्रभावी कार्यकर्ता से मिलाता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता कश्यप। आप इस संस्था में क्या है? मैं प्रदेश अध्यक्ष। ये धरना क्यों दिया जा रहा है? धरना इसलिए दिया जा रहा है, यहाँ इतनी गंदगी है, बरसात का मौसम है, यहाँ के लोग बीमार पड़ेंगे, इसलिए धरना दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सफाई नहीं होती है? यहाँ पे सफाई अगर होती तो इतनी गंदगी क्यों होती? तो यहाँ पे ये जो सारे कार्यकर्ता हैं, आप कहाँ रहती हैं? अच्छा, आपके घर की बाहर के मोहल्ले की आसपास की नालियों की क्या कंडीशन है? नालियाँ तो लोगों ने अपने घर के आगे की बंदी कर रखी है, तो पानी का, बरसात का पानी होता है, वो कूड़े में फैलते ही रहता है। गंदगी तो इतनी है, इतना खुला जानवर है, चार पाँव घूम रहा है, कहीं पर कोई सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आपके जैसे मोहल्ले में कोई सरकारी कर्मचारी आते हैं सफाई के लिए? कोई नहीं आते हैं, चाहे जितनी शिकायत करिए कोई आता ही नहीं। कोई अधिकारी जायजा लेने की कभी कोई नहीं आता, कभी कोई आया ही नहीं। कभी कोई नहीं आया।
आप कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? तो ये आपका यानी कि आपके मोहल्ले की व्यवस्था कैसी है साफ सफाई में? क्या व्यवस्था है, मैन रोड भरे पड़े हैं, ट्यूबलाइट दरवाजे पर अंधेरे पड़े हैं। दो बार सभासद के हम लोग गए भी तो उन्होंने कहा हाँ बनवा देंगे, लगवा देंगे, अभी तक लगे ही नहीं। अंधेरे हैं, बरसात के दिन है, कीड़े मकोड़े आते रहते हैं, क्या सुना ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है? रंजीत शर्मा है, मैं संध्या में पैसा मुन्ना। और हमारी संस्था में मुन्ना, मुन्ना भैया आप खुद ही देख रहे हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बच्चे बीमार हो रहे हैं, बोलेंगे नगर निगम ना ही कोई इसका ध्यान को नहीं दे रहा है। तो हम लोगों ने अपनी संस्था के थ्रू एक अभियान चलाया हुआ जो हर जगह जहाँ तक दिख रहा है। आपका क्या नाम है? जो मेरा नाम शिवम गुप्ता है, जिला अध्यक्ष हूं, सभी घरों से वैसे अभी पूछेंगे, अभी पूछेंगे। तो यहाँ पे आप जो इस धरने में आप शामिल हुए हैं, इसका लक्ष्य आपका क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि सफाई अभियान की तरह हमारा लक्ष्य है कि आसपास ये गंदगी वगैरह इतनी पड़ी है, क्षेत्र में बारिश का माहौल है, इस समय कूड़ा पड़ रहा है, देखिए गंदगी फैलती है, सब प्रदूषित होता है वातावरण, इससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, सब हैजा और अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं बच्चों को, बच्चे इस धरने के बाद आपको सरकार से क्या उम्मीद है? हमें सरकार से यही उम्मीद है कि उसका थोड़ा देखा जाए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए सफाई के अभियान की तरफ, कि हर तरह से मतलब सफाई की जाए और मतलब नगर निगम द्वारा हर तरह से मतलब सफाई हर महीने नगर निगम वाले पैसा लेने चले आते हैं और सफाई का कोई ध्यान ही नहीं रहता है। हर घर से 50 रुपया महीना हर घर से ले जाते हैं और कूड़ा उठाने आते नहीं है। और गंदगी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस क्षेत्र में कितनी गंदगी मची हुई है, इससे बारिश का मौसम है, पानी भर गया है, इससे क्या होगा, डेंगू फैलेंगे और मलेरिया फैलेगी और इस तरीके से गरीब लोग परेशान होंगे, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है? हमारा नाम अनु तिवारी है। तो आप इस संस्था के ही हैं? हम इस संस्था में जुड़े हैं, हमारे घर के सामने कूड़ा वो लोग डालते हैं, हटाते हैं, हम लोग हफ्ते तक देखते हैं, नगर आयुक्त गए थे तो हम बोले सफाई हो जाएगी, नगर निगम गए सफाई हो जाएगी, लाइट ट्यूबलाइट हमने लगवाया, कुछ हमने करवाया। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो रजनी खंडो बताइए, प्रॉपर हमारा गाँव मोरा पड़ता है, तो वहाँ पे भी गंदगी की समस्या है। गंदगी समस्या है और पानी रोड रोड की दिक्कत है, इतना सारा पानी भरा है और हम लोग पैर गिर गिर के जाते हैं। इस जमा हुई भीड़ देख रहे हैं जो संस्थान के द्वारा जमा हुई है और इन लोगों की केवल एक ही उम्मीद है, एक ही आस है कि ये लोग अपने मोहल्ले को एकदम स्वच्छ और साफ बनाएं और सरकार से भी इनकी उम्मीद है कि इस पहल में इनकी मदद करें। केवल ये लोग अपना सारी चीजें करने के लिए तत्पर हैं। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू हेल्प फुलफिल गांधी जीज विजन ऑफ क्लीन इंडिया। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? आप भी इसी धरने में शामिल हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका ये मोहल्ला या आसपास की जगह एकदम साफ रहे। आपके घर के पास गंदगी रहती है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको स्कूल में सिखाई जाती हो जो आप यहाँ के लोगों को बताना चाहें? बताओ, घर के सामने पार्क है, गंदगी बहुत फैली हुई है। हमारे पार्क के सामने एरिया में बहुत गंदगी है और लोग अपने अपने घर से कूड़ा फेंकते हैं पार्क में, और वहाँ पे देखा जाता है कि लोग जाते हैं कूड़ा फेंकते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते। आपके स्कूल में कोई ऐसी बात बताई जाती है कि साफ सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए, या कोई ऐसी स्कूल की बात जो आपको अच्छी लगी हो? हमें एक स्कूल के बच्चे ने भी बहुत अच्छी बात बताई और
आज एक सार्थक प्रयास सेवा संस्थान के द्वारा ये सफाई अभियान चलाया गया है। और इसी के साथ मैं अमित कश्यप आपसे इजाजत चाहता हूँ। सार्थक प्रयास सेवा संस्थान द्वारा 9/7/2017 को स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों को जागरूक एवं अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक करने के लिए संस्था के अध्यक्ष हर्ष शुक्ला, उपाध्यक्ष विक्रम कश्यप, कोषाध्यक्ष रंजीत शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सुनीता कश्यप भी उपस्थित थीं।